चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी क्या पढ़ा है? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। अब हमको क्या पढ़ना है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बुक का एक पढ़ते हैं। कंसीडर, इन्होंने एक सिचुएशन दिया है, लिखा द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज इन ईयर 2 ईयर्स एगो। तो मतलब 2 ईयर्स एगो मैं एक लाइन लेता, एक पॉइंट लेता, यहाँ पर है मान लीजिए और यहाँ पर 2 ईयर्स एगो। इसको अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ तो 2 ईयर्स एगो कितना होगा? एक्स माइनस टू, ये तो हो जाएगा ना 2 ईयर्स एगो। एंड हर एज 4, एंड हर एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ इन वन मोर। और यहाँ से आते हैं ये क्या कह रहे हैं, 4 साल बाद, अभी से 4, तो x प्लस 4 हुआ। क्या कहा? 2 साल पहले, तो x आज की अगर एज हमने x ले लिया तो x माइनस 2, 4 साल बाद x प्लस 4। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर उसकी एज क्या थी, x माइनस 2, ये था x और ये x प्लस 4। इसी को अगर कुछ इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू निकल आएगी। लिख रहे हैं इस, अब रिलेशन बता रहे हैं, अभी तो कंडीशन थी, अब रिलेशन बता रहे हैं। एगो हर एज 4 ईयर्स, नाउ इन वन मोर देन ट्वाइस ऑफ हर द प्रेजेंट एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई। लिख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज इन 2 ईयर्स एगो। 2 ईयर्स एगो का मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस 2। और किसका मतलब, प्रोडक्ट का मतलब दो, कम से कम दो चीजों का तो मल्टीप्लीकेशन होगा, उसी का जो रिजल्ट निकलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ईयर्स एगो एंड हर एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो क्या हो गया? एक्स प्लस 4। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है? 2x, सॉरी x है, उसका 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा? इससे x, इससे 1 ईयर अधिक होगा, ये कह रहे हैं। तो अगर मैं दोनों में रिलेशन बनाना चाहूँ, चाहे यहाँ 1 माइनस कर दूँ या इधर 1 प्लस कर दूँ, जो छोटा उसी में तो ऐड करेंगे। हमको इक्वेशन बनाते हुए सिचुएशन सोचना पड़ेगा और फिर आसान होगा, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनती है इक्वेशन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 क्या होगा? प्लस 4x। माइनस 2 इंटू एक्स कितना होगा? माइनस 2x। माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा? माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, इसको इधर हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आया कैसे? नहीं आया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, ये 2 इधर आएगा, माइनस 2x ये इधर आएगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस में है, माइनस 2 माइनस 2x ये कट गया, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा इज इक्वल टू 0। माइनस 2x माइनस 2x कितना हुआ? माइनस 4x, तो कितना हुआ? खत्म नहीं हो गया? और माइनस 8 माइनस 1 कितना हुआ? माइनस 9, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है? नहीं समझ में, प्लस माइनस 3 क्या है? रूट 9 क्या होता है? 3 होता है? नहीं, रूट 9 प्लस माइनस 3 होता है, 3 नहीं होता है,
कैसे? 3 × 3 कितना होगा? 9। और -3 × -3 कितना होगा? ये भी 9 होगा। तो यही तो है, किसी चीज का दो बार मल्टीप्लाई करो अगर वही रिजल्ट आता तो उसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैल्यू आएगी। तो प्लस माइनस थ्री हुआ, बात समझ में आ रही ना? तो एज या तो उसकी एज होगी 3 ईयर और या -3 ईयर। क्या मैं सही हूँ? नहीं, सिर्फ 3 हो सकती है। क्लियर? ये हमने एक सिचुएशन कर लिया जो आपकी बुक में था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले बुक के करेंगे जो भी दिए गए हैं। चैप्टर आसान है, बस समझने की बात है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इन्होंने एक्स स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। एक एग्जांपल लिया इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हम समझते हैं इस बात को, क्या लिखा इन्होंने। अगर मैं इसकी बात करूं, अब ध्यान देना, ये मान लो x है और ये x है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे आता ना, किसी चीज़ का एरिया अगर निकालना हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा x × x। भाई इसका एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? length × width आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और अगर स्क्वायर का होगा तो x × x, भाई रेक्टेंगल में याद है ना, ऐसे मान लो 50 था और 40 था तो कैसे निकालते थे? 50 × 40। ऐसे ही x × x समझ में आया कि नहीं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और अगर डाउट है तो पूछ लो। 4x कैसे कर सकते हैं? अब इधर मान लो मैंने x ले लिया ये लाइन, और ये इसको 4 ले लिया, ये कर लिया, तो ये x × x कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। और अगर, और ये इसकी ये वाली लंबाई जो है x है, तो अगर इसको इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा? 4x। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ मूव कर रहे हैं, कैसे स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। इसी चीज़ को यहाँ पे हमने लिख लिया, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्स, ये ऐसे, ये बनाया हमने, ये डिब्बा बना एक्स वाला, ठीक, इसी में हमने ऐड कर लिया इसको, ये ध्यान देना ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है। अब इसमें क्या किया हमने, इसको दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया, एक 2 हुआ, ये 2 हुआ, बात समझ में आ रही ना? ये एक्स, इसको मैंने दो टुकड़ों में कर दिया, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ प्लस लगाया था, यहाँ दोनों को एक में कर दिया, 2x हो गया, सॉरी नहीं, हाँ 2x + 2x, ठीक। अब हम कुछ और कर रहे हैं, इधर आते हैं, यहाँ हम पहुँचे, यहाँ ये x था, ये x था, यहाँ हमने 2 रहने दिया, 2 वाला यहाँ, ये तो x है ही, ये बात समझ में आ रही ना? और इसको एक पकड़ के ले आए, यहाँ हमने बना दिया, भाई स्क्वायर के लिए लेंथ और विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए। अब इसकी लेंथ कितनी हुई? x + 2, और इसकी लेंथ कितनी हुई? यही वाला तो उठा के यहाँ लाए हैं, ये भी x + 2 हो गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए तो स्क्वायर पूरा हो जाएगा हमारा। तो अभी भी ये क्या है, अगर मैं देखूँ तो x² + 4x लिख लो, या 2x + 2x लिख लो, 2x + 2x, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछना, नहीं ना? आगे बढ़ा जाए।
इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ चीज़ जोड़ना अगर चाहूँ यहाँ पर, तो कैसे जोड़ूँगा? इतना, ये इतना कितना है? दो। और ये भी इतना कितना है? दो। तो मतलब मैंने जोड़ दिया टू इंटू टू, इतना ऐड कर दिया ना, तो मुझे इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, क्या टू इंटू टू, तभी तो मतलब इधर अगर मैंने स्क्वायर बनाया है तो हमने सीखा है जितना हम इधर ऐड कर रहे हैं तो कहीं सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसका मतलब हुआ कि हमने ये जो स्क्वायर बनाया है, ये देखो, ये लेंथ x प्लस टू है, विड्थ भी कितनी है? x प्लस टू। लेकिन इसमें से मुझे क्या करना होगा? एक टुकड़ा हटाना पड़ेगा तभी ये सही होगा, नहीं फिर तो इतना एक्स्ट्रा हो जा रहा टू इंटू टू का। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कहूँ तो ये क्या होगा? x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस टू का स्क्वायर। तो मतलब हमने क्या किया, x प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर ऐसा बना दिया। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्यों बना रहे थे? फैक्टराइज करने के लिए। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। अगर मुझे सॉल्व करना हो तो हमारे पास एक फार्मूला, हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या? इसको मैं a मान लूँगा, इसको b मान लूँगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके फार्मूला ही तो है ना, भूल गया क्या? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। तो इसको अगर मैंने a ले लिया और इसको मैंने b ले लिया तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो x प्लस टू प्लस टू, और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस टू माइनस टू, यही करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस फोर, और यहाँ क्या बचा? x बचा, ये बचा। अगर ऊपर ध्यान दो तो इसमें हमने x कॉमन ले लिया होता तो x प्लस फोर ही तो बचता, यही तो बचता ना, कुछ दूसरा थोड़ा ना बचता। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका है। इस तरीके से हम जब ऐसा एग्जांपल मिलता जैसे, तो हम उसको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से लगाना होगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई अगर डाउट है इसमें तो पूछना है, और अगर नहीं है कोई बात नहीं, फिर आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे।